मेरा नाम सिंह सवार है। हम आए हैं बिहार से। बिहार में क्या काम करते थे? बिहार में खेती बाड़ी का काम करते थे। बिहार से आप क्यों आए? वहाँ पर गुजारा नहीं होता था, बस 50 रुपया दिन में मिलता था, उसमें खर्ची पानी से बराबर चल रहा था, पैसे नहीं बचते थे। थोड़ा काम कम चलने लगा तो आगे हम दिल्ली में आकर के रिक्शा चला रहे हैं। यहाँ कितना कमा लेते एक दिन में? कभी 150 रुपया कमाते हैं, कभी 100 बचते हैं, कभी 200 कमाते हैं, लेकिन खा पी करके बचते हैं 100 रुपये। क्या किराया भी देना पड़ता है, 30 रुपया रोज। यहाँ पर जो काम जो कर रहे हैं तो यहाँ तो ज़्यादा मेहनत यहाँ पर ज़्यादा करना पड़ते है। अपना घर में जो काम जो कर रहे हैं वहाँ पर जो काम हल्का होते हैं। यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में हो गया मेरा 8 साल हो गया। अगर आपको सरकार सारी सुविधाएं वहीं दे देती बिहार में, तो आप यहाँ आना पसंद करते? वहाँ यदि सुविधा हमको दे तो यहाँ पर आने का पर ये नहीं करेंगे, दिल्ली नहीं आ सकते हैं ना। तो ये तो आपके सामने अभी स्लम्स में रहने वाले लोगों की जिंदगी के कुछ पहलू। जैसे कि हम सब जानते हैं, दिल्ली में स्लम्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो क्या ऐसी हालत में हमें स्लम्स की तादाद को बढ़ते देना चाहिए या फिर इस पर रोक लगनी चाहिए? आइए इस मुद्दे पर राय लेते हैं कुछ और लोगों से। स्लम्स होने नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पर जराइम की तादाद भी बढ़ जाती है। पूरी तरह से फैसिलिटीज नहीं मिलती है जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है, ये स्लम्स नहीं होने चाहिए। हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत बुरा है उनके लिए। तो देश का जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो सारा का सारा ये स्लम्स गलत ही कर रहे हैं। किसी के घर का कोई काम हो नहीं सकता है कि अगर ये लोग न स्लम में जो लोग रहने वाले, क्यों आए आप यहाँ? बस काम। तो आप काम वहाँ दीजिए जहाँ तो आज की हमारी इस बहस का कंक्लूजन यही निकलता है कि जो लोग गांव से बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं उन्हें सारी सुविधाएं सरकार को वहीं देनी चाहिए ताकि वो बड़े शहरों की तरफ अपना रुख ना करें।